अनाज मंडियों में खरीद और उठान के कार्य का जायजा लेते हुए फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं रोहतक जिले के मदीना गांव की अनाज मंडी में। ये मदीना गांव की अनाज मंडी के बाहर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि अनाज मंडी में जगह ही नहीं बची है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर अपने पीले सोने को डालना पड़ गया है। ये देखिए, ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह से बंद करके किसानों ने अपने गेहूं को यहाँ हाईवे पर डाल लिया है। इसके पीछे उनकी मजबूरी है, क्योंकि अनाज मंडी में रखने को जगह ही नहीं बची है और मजबूरीवश गेहूं को सड़क पर डाला गया है। ये गेहूं की हालत देखिए, किसान कितनी मेहनत करके ये गेहूं उगाता है और फिर समय पर बिक्री या उठाना हो तो ये हालत उस किसान के गेहूँ की होती है, उसकी मेहनत की होती है। कुछ किसान यहाँ पर बैठे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो जरा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। दिक्कत ये आ रही है, ये प्रकृति का था, भगवान ने मौसम के कारण ये गेहूँ कणक पड़गी, पड़ने से बिल्कुल ख़त्म होगी। और ये भी जो ऊपर ऊपर काटते हैं फिर भी मिट्टी आती है। तो सड़क पर गेहूँ क्यों डालना पड़ गया? सड़क पर नू डालना पड़ गया, वहाँ जो है ना मंडी छोटी है और कई गांवों का अनाज आता है, कई गांवों का अनाज आता है और मंडी छोटी है। तो अधिकारियों से आपने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, सरकार को रिक्वेस्ट की होगी मंडी का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए? हाँ, परसों की बात है, पिछले साल भी कही थी, परसों डीसी साहब भी आए थे और उसको सारा ही मैं कमाया था, वो बोले बोला बग्गियों भी खरीदाएंगे, मंडी मंडी भी बढ़ावाएंगे, ये कह गए थे। और ये पोर्टल है जो ये हमारा वर्ग के ऑनलाइन नहीं करा रखे, यह समस्या है। ये आठ दिन आते हैं कि हम ले जाए, हम गरीब आदमी जमींदार, हम गेहूँ कन कन कहाँ ले जाएँ। मतलब आपके कहने का भाव ये है कि ऑनलाइन आप लोगों ने पोर्टल पर अपनी फसल का जो ब्यौरा था वो नहीं दिया और उसकी वजह से आपके गेहूं को बेचने में दिक्कत आ रही है? बेचने में दिक्कत आ रही है। और फिर ये नोअर ले तो लिया तो फिर वहाँ से गोदाम से वापस आ जाते हैं। क्यों वापस क्यों आ जाते हैं? वापस के अंदर मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, ये फरकी मार के देख ले, मिट्टी है। मिट्टी आने का कारण क्या है? मिट्टी तो साफ करके डालते हैं गेहूँ तो आप लोग? मिट्टी आने का ये कारण है, ये प्रकृति का था, गेहूँ पड़ गया था और गेहूँ पड़ने से मशीन में थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाए। और किसान मजबूर है, ये गवर्नमेंट को सहायता दे जब ये जो किसान जब जिंदा रहा है। तो मिट्टी होने की वजह से उठान में और परचेसिंग दोनों चीज़ों में दिक्कत आ रही है? परचेसिंग में दोनों में दिक्कत आ रही है मिट्टी होने। तो ये किसान हैं जो बता रहे हैं कि न केवल इनको गेहूँ बेचने में दिक्कत आ रही है, बल्कि क्योंकि मिट्टी है, गेहूं अब की बार बिल्कुल बिछ गया था, बारिश और ओलावृष्टि जो हुई है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है और यही कारण है कि इनको अपना गेहूं बेचने में भी दिक्कतें आ रही हैं। एक दूसरी दिक्कत का जिक्र और इन किसान भाई ने किया है, इन्होंने बताया है कि ये अनपढ़ हैं, इस वजह से अपनी जो फसल का ब्यौरा है वो नहीं दे पाए, ऑनलाइन नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से भी इनको अपनी फसल बेचने में दिक्कत आ रही है। और ये समस्या अकेले इन किसान की नहीं है, काफ़ी लोगों की ये समस्या है। और अगर हम बात करें परचेजिंग की, तो परचेजिंग चल रही है, उठान के कार्य में ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो उठाने के कार्य में बेहद धीमी गति से उठान हो रहा है गेहूं का। फिलहाल ये आप सामने जो तस्वीरें देख रही हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदीना, और उसके अंदर की हालत आपको दिखाते हैं। ये स्कूल कम अनाज मंडी और अनाज का गोदाम अधिक नज़र आता है। ये देखिए आप, ये स्कूल के अंदर की तस्वीरें हैं, ये हालत है कि स्कूल में गेहूं डालना पड़ रहा है। ये क्यों डालना पड़ रहा है? इसके लिए कारण सिर्फ एक ही है कि जो मदीना गांव की अनाज मंडी है वो उसका रकबा काफ़ी छोटा पड़ता है और कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। ये हालत क्यों है, यहां पर गेहूँ डालना पड़ रहा है स्कूल में आप लोगों को? मंडी छोटी है जी, हम यहाँ तीन चार आड़ते बैठे हैं, तीन दिन में हमारा अनाज नहीं उड़ा जी। हमारे दो तीन चार आड़ते तो दाएँ बाएँ एक एक दो दो किलो और रख रहे हैं अपनी ज़मीन में खुद रोड के पास में। तो सड़क पे भी काफ़ी देखा मैंने, हाईवे पर दूर दूर तक नजर आता तो गेहूँ नजर आता है। संस्था हमने जी नॉन बीज संस्था में गेहूँ डाल रखे हमने लाचारी में जी, रोड पर भी नोड़ा एक साइड में, फिर हमने इन में डालना शुरू किया, फिर खेतों में डालना शुरू किया, आएगा कि नीचे डरते हैं हमने, वह भी हिम्मत कर रहे हैं, देखी जाएगी वह परमात्मा जो करेगा, किसानों के साथ बुरा हाल हो रहा है, इसमें थोड़ा सही होगा जो हमारा पर बनेगा जितना बने होगा। उठान में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? उठान नहीं हो पा रहा है? उठान में ये दिक्कत है जी, गाड़ी भरा हाँ रिजेक्ट हो जाती है, हम मजबूर हो गए। रिजेक्ट होने का कारण? कारण ये है जी, भगवान की कृपा से या बेमौसमी की बरसात से जो समझ ले ओलावृष्टि से या कुछ पड़ा उठी से वो खराब हो गया, उससे जमींदार संगवाता तो मिट्टी आती है जी, मिट्टी जाना में नहीं निकलती।
झरने में मिट्टी नहीं निकल पाती, इसकी वजह से उसमें धूल के कण रहते हैं और यही कारण है कि आपकी गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो ये गाड़ियाँ रिजेक्ट होती है उसका सीधा नुकसान किसको होता है फिर? ये सीधा आड़ती को होता है जी, आड़ती को नुकसान होता है। तो क्या करते हैं अगर मान लो कोई गाड़ी आपने भर के भेजी वो वापस आ जाती है तो आगे क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? तो वहाँ जी छटाई के लिए तो मजदूरों को कहते हैं भाई छटाई नहीं कराएंगे, फिर हम अपना नो मानना भाई छटाई कर दो, हम 5 रुपये कट्टा मजदूरों को दे देंगे, मजदूर की दिहाड़ी हम देंगे, आगे नो भाई संगवाज हमारा, और नहीं तो 10-5 कट्टे पा जाते हैं, 10-20 कट्टे छटाई के कहते हैं रिजेक्ट बाहर निकालो, हम नहीं सुनते किसी की। अगर किसी कर्मचारी को हम नू को आग हमारे साथ या आ तो मैंने मानना है भैया बहुत ईमानदारी से काम करें। तो डीसी साहब भी आए थे कल परसों दौरा करके गए हैं, उन्होंने तो कहा था कि एक एक दाना खरीदा जा रहा है, समय पर उठान कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ तो स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर गेहूँ डालनी पड़ रही है, इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है, क्या कहेंगे? स्कूल में गेहूँ डालने का सबसे बड़ा कारण जी हमारी मजबूरी है जी, हमने प्रिंसिपल मैडम से परमिशन ले रखी है जी, दोनों स्कूलों में गेहूँ डाल रखे है, क्योंकि यहाँ पे कई गांवों का गेहूँ आता है, इस मंडी में 2 लाख से 3 लाख के बीच में कट्टे आते हैं जी, 2.5 लाख से ज़्यादा ज़्यादा, और यहाँ पर मंडी के ऊपर पूरी के ऊपर मात्र 20,000 कट्टे डाले जा सकते हैं, तो बाकी गेहूँ डालने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, तो दोनों स्कूलों में भी गेहूँ डाला गया है, पूरे के पूरे रोड के ऊपर भी गेहूँ डाला गया। ये तो शुक्र ये है कि जी यहाँ पर ये सिर्फ गाँव का ट्रैफिक है इसलिए वन वे में काम चल जाता है, नहीं तो जी आने जाने वाले ट्रैफिक को ही बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जी। तो मंडी का जो इलाका है, जो दायरा है, वो बढ़ाने की कभी रिक्वेस्ट नहीं की आप लोगों ने सरकार से? 2 साल पहले RS वर्मा DC थे शायद जी उस समय पे, तब भी हमने उनके संज्ञान में मामला लाया था, उससे पहले भी कई बार लिखित में दिया जा चुका है। ये मंडी के साथ में जितनी जगह ये शामलाती पंचायती भूमि है जी, बार बार अधिकारियों संज्ञान में मामला लाया जाता है कि जिस जगह को पक्की करवा दी जाए ताकि मंडी का रकबा बढ़ जाए और यहाँ पर ज़्यादा गेहूँ डाला जा सके, लेकिन आज तक तो सर 30 से 40 साल हो चुके इस मंडी को चलते हुए, वो मंडी जितनी थी उतनी पर ही बरकरार है जी। शुक्रिया। तो ये हकीकत है उन सरकारी अधिकारियों के दावों की जो कहते हैं किसान को कोई दिक्कत नहीं है, आढ़ती को कोई दिक्कत नहीं है, उठान प्रॉपर हो रहा है कहा जाता है, दावा किया जाता है कि परचेजिंग समय से हो रही है, उठान समय पे हो रहा है, बरसात की चेतावनी दे रखी है मौसम वैज्ञानिकों ने कि बरसात 2-3 दिन कभी बरसात हो सकती है, अगर बरसात होती है तो इस गेहूँ का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अधिकारियों को बंद कमरों से बाहर निकलना होगा, एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलना होगा, उन दफ्तरों से बाहर निकलकर यहाँ ग्राउंड पर आकर देखना चाहिए कि किसान को या किसान का मददगार जो कहा जाने वाला जो उसकी परचेजिंग में मदद करता है उनको दिक्कत क्या है, वो अधिकारियों को अपने AC रूम से बाहर निकल कर देखना चाहिए, तभी जाकर आमजन का या किसान का भला हो जाएगा, सिर्फ प्रेस नोट जारी कर देने से किसान का भला नहीं होने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, मदीना गांव, रोहतक।